वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बेनती करदा पार्टी के प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान वो आके अपने विचार रखन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, उन्होंने मैं बेनती करांगा कि उस स्टेज पर आन अते पंथ दे नाल अपने विचार सांझे करन। मैं उन्होंने आने तक जकारा छड़ रहा, सारी संगत जकारे का चढ़ती कला विच आवाज देवे। बोले सो निहाल। सत्कारयोग साध संगत जी, निम्रता सहित आपनों फतेह अर्ज करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बचन है कि गुरु भी बिस्वे ते संगत एक ही बिस्वे। ये सिख संगत नू महाराज सच्चे पातशाह ने अख्तियार दिते है। जो भी कोई आगू गलती करता है तो खालसा पंथ उसका जवाब दिंदी है। तुसी देखो कि 1999 दे विच मैनू आप जी ने 5 लाख तो ज़्यादा वोट पा के मेरी जिंदगी बचाई सी, पर पिछले साल मैं उस इलाके तो लड़िया ते पंथ ने सिर्फ 13,000 वोट मैनु पाई। सो मेरा मतलब कहिंदा है कि जो मर्जी कोई वड्डा हो जाए पर वो पंथ तो थल्ले हुंदा है। शाह मुहम्मद जिहड़े सिख कौम दे बड़े वड्डे मशहूर शेर हन, वो लिखते हैं इस डाढ़े रब तो डर के रहिए, ये राजयां नूं भीख बना दिंदा जी। सो मेरे मतलब है कहण दा कि जथेदार साहब जिहड़े साडे तख्तां दे हैं, ये जिन्ना चिर पंथ की आवाज़ नूं उच्चा करनगे उन्ना चिर ये साडे सत्कारयोग जथेदार साहबान हन। पर जदों ये ऊल जलूल एहो जे माड़े बंदियां नूं जिन्हां ने बलात्कार दे मुकदमे दर्ज होए है, कतल दे दर्जे साध के खिलाफ होए है, उन्हनु बगैर साध के कहण ते माफ़ी दे देंदे है, ये मैं समझदा कि सिख कौम के खिलाफ ये बहुत अन्याय है। जो बादल है वो शिवलिंग नू मत्था टेकदा, ओह जिथे भी जांदा हवन करवांदा, और जिहड़ियां रीतियां महाराज सच्चे पातशाह ने साडे लई बंद कीतियां, संगत जी सारे वीरां नूं बेनती है कि शांति ते दा टब्बर भी करदा, सारे दान बख्शो, सारी संगत आराम नाल बैठ जाओ। सिंह सभा ने कदे अपने सामने बुलाया नहीं है। जगीर कौर है जिहड़ी एस जी पी सी दी प्रधान है रही है और मौजूदा MLA है, उसने गुरुआं दी रवायत सिखां दी रवायत नूं छड्ड के ओ कुड़ी मार ते नड़ी मार जाहर होई है। उस नूं सिंह सरबान ने कदे
जो वो कम करती है उसनू बुलाया नहीं। अपने सरना साहब है जदों तक वो डी जी पी सी के प्रधान से, दो महीनों के अंदर अंदर उन्होंने तलब कर लेंदे से जथेदार, क्यों करके वह दिल्ली दे विच बादल का विरोध करते। सो सत्कारयोग साध संग जी, इस साध दे मोर्चे दे विच सिखां ने बहुत भारी जबर झल्लिया बादलों का, तो कांग्रेस का, तो बीजेपी का। करमजीत सिंह सुनाम वो शहीद होया, हरमिंदर सिंह डबवाली वो शहीद होया, बलकार सिंह बॉम्बे तो, ये सारे साध दे पखंड करदियां तो इन्होंने शहीदियां पाईयां। सिंह साहब का फर्ज नहीं सी कि साध नू इत्थे पेश कर दे और उसनू सवाल जवाब पुछ दे। जो अमृतसर लाड़नामा बनिया उदों दे तख्त दे जथेदार भाई मनजीत सिंह ने सानू सारिया नू अकाल तख्त साहब दे बुलाया सी, असी हाजिर होए, सानू तनखा लातियां। टौड़ा अमरिंदर सिंह तलवंडी बरनाला ये सारे सीगे, ये सारे अकाल तख्त साहब ते सोहां नू चक के मुनकर हो गए। ते भाई मनजीत सिंह जो उस वेले अकाल तख्त दे जथेदार साहब सी, वो भी अपनी सौ जड़ी सानू चकाई सी मुनकर हो गए। सो मेरा मतलब कहिंदा कि जदों कोई भी वड्डा आदमी अपनी ली तो उतर जाए, खालसा पंथ उस नू अपने अगे मंगवा सकती है और तनखा ला सकती है। हुण सरदार गुरदीप सिंह ते कमेटी ने जो एक इकट्ठ बुलाया, असी बड़े खुश हैं और आस करते हैं कि जो स्वर्दी फिके कल इकट्ठ बाबा धुम्मा कर रही है वो अज दे फैसलों के उत्ते मोर लाउणगे। साडियां कमेटी वालियां दियां मंगां ये हैं कि साडे जिहड़े कैदी है उन्हां नूं रिहा किया जाए, जे सौदे साध नूं माफ़ी मिल सकती है तो साडे सिंघां नूं भी रिहा किया जा सकता। भाई सूरत सिंह खालसा दी कुरबानी तो पहला असी अर्ज करते हैं कि साडे सिख कैदी जिहड़े हणगे और रिहा किए जाएंगे। और बादल होनी कहते हैं कि साढ़े अख्तियार तो उत्ते है कि असी रिहा नहीं करवा सकते, क्यों करके उस कई सूबों के जेल के डटे हुए है। पर मैं पूछता बादल नूं, जे तेरी संगी घुट के बीजेपी ते आरएसएस इस साध नूं बख्शा सकती है तो सिख कौम सरदार सूरत सिंह नूं क्यों नहीं बचा सकती? और जिहड़े साढ़े जेलां दे विच डके हुए है
उन्हां दी रिहाई चुनी करा सकदी। ये कमेटी का फैसला कि अंतम दम तक असी लड़ते रहेंगे जिन्ना चिर साडे कैदी भरा रिहा नहीं होंगे। दूसरा, जे सरदार सूरत सिंह की शहीदी होगी तो हालात इतों भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, जिहड़ी ये मुल्क सह नहीं सकूगा। और असी चाहते हैं कि ये दोनों काम झटपट हो जाए। तो सत्कारयोग साध संगत जी, साडिया ये डिमांड है और कमेटी ने फैसला किया कि 30 तरीक न बुधवार वाले डेढ़ दिन शाहवड़े तो लग के लोडेवाल तक असी सारे एक मोर्चा बना के बंद करांगे सारे पंजाब नूं। तुहाडे विच्चों बहुत सारे है जिहड़ा ठेठ पंजाबी समझ नहीं सकते। शाहवड़ा हुंदा है जिस नूं हुण हिंदू लीडरां तो तुसी अपनी जीभ पलटाती है। शाहवड़ा हुंदा है नाश्ता ब्रेकफास्ट, लोडेवाला हुंदा दोपहर तक। असी चाहते हैं कि कोई भी हस्पताल एंबुलेंसां उस दिन काम कर दियां रहन, बच्चे स्कूलों ते कॉलेजों दे विच पढ़ते रहन, उन्हां दे उत्ते ये चीज़ लागू नहीं होगी। फिर फैसला किया कि दिवाली वाले दिन असी सरबत खालसा बुलावांगे। जो साडी मंग है, दूसरी चीज़ है बादल होना ने कहना ये जिन्हें भी हुक्म किए है ये सिर्फ SCPC लागू कर सकती है। पर सत्कारयोग साध संगत जी, जिहड़ी कमेटी 2011 दे विच चुनी हुई सी वह तो सुप्रीम कोर्ट ने मतल करती है और फिर खालसा की करूँगा। ये सब तो पहली पार्लियामेंट है एशिया दे विच SCPC जिहड़ी कानून के मुताबक खड़ी की गई सी, इस नूं सुप्रीम कोर्ट नहीं भंग कर सकता। जे 2011 दी सुप्रीम कोर्ट ने भंग करती SCPC, हुण गैर चुने हुए अवतार सिंह मक्कड़ ते एग्जैक्टिव कमेटी नूं अख्तियार देते है कि वह SCPC का काम करूगी। ये नजायज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म असी नहीं मनते। जे किसी अखबार नवीस ने ये नहीं लिखना कि सुप्रीम कोर्ट सानू तलब कर लूगी, भरावो जिहड़ा सच हुंदा है उहदे तो ना कोई अफसर ना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज किसी नू तलब कर सकता। जिहड़ी अखलाक की गल हुंदी है तुसी लिख सकते हो कि असी सिमरनजीत सिंह नू पुछिया सी कि तू अकाल तख्त दे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मनना चाहता, तेनों तलब किया जाता, हुण मेरी आवाज़ नू तुसी रिकॉर्ड कर सकते हो। असी कहने हैं कि अकाल तख्त तो उत्ते असी किसी नू मनदे नहीं है, ये साडी सिखां दी मर्यादा है। और हाँ, ये फैसला है
कि 3 तरीक न अपने बंद मना 30 तरीक न साडे बंद की कॉल है। 2 तरीक न खडूर साहब आप सारे ने स्टेज पर हाजरी देनी है, उत्थे भी सारा यह इकट्ठ देहाती इलाके समझाया जाऊगा। क्यों करके हरेक सिख के मन दे विच अज बहुत भारी तड़फ है ते 30 तरीक न जेड़ा असी बंद करते हैं तख्तों के जथेदारों असी फिर रहम करके कि असी पंथ दे विच पाड़ ना पाइए अपील करते हैं कि अज जा कल इस हुक्म नजायज़ नू वापस लिता जाए। ये साड़ी मर्जी है, पंथ का हुक्म है। एहो जे हुक्म तन्नाशाही तो दिल्ली तो लगे हुए नहीं मनदी पंथ। तदे अकाल तख्त साहब 6वें पातशाह ने स्थापित किया दिल्ली के तख्त तो उस नूं उच्चा बनाया। अज सानू बहुत भारी विपतावां हैगियां। जिमीदार जिहड़ा कौम की रीढ़ की हड्डी है उस नूं बीजेपी ते बादल ने बिल्कुल मारता। उसका झोना, उसका नरमा, उसकी बासमती बिक नहीं रही और मुआवजा जो पंजाब सरकार इसके बदले दे रही है वह सिर्फ 100 रुपया एक एकड़ है। सो सत्कारयोग साध संगत जी, ये कमेटी है आप नूं सारयां नूं अपील करती है कि पंथ सारियां पार्टियां एक हैगियां, कोई किसी तो वड्डा नहीं है। आपां निम्रता दे नाल ये जिहड़ा गैर सिख का फैसला तख्तां ते बादलां ने किया इस नूं खत्म करिए और इस दे खिलाफ तकड़े होके इकट्ठा आपां संघर्ष लड़ीए। मैं समझदा कि जित अपनी होगी। जस्सा सिंह सरदार रामगढ़ीए नूं पंथ ने छेकता सी, पर जदों पंथ दे उत्ते भीड़ आई तां सरदार जस्सा सिंह पंथ दे नाल रल गए सीगे, वो बख्शे गए सीगे। पंथ बख्शनहार भी है, मिट्टी च भी मिला दिंदी है और बख्श भी दिंदी है, तनखा भी ला दिंदी है। ये चीज़ बादल ते जथेदारां नूं ये जिहड़ा सारा कट होया ये अपील करते हैं। संत समाज पंथ दे नाल चले। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे है बाबर जाबर जिहड़ी संत समाज दे टुकड़े बाबर दे नाल रल गए है, हुण टाइम है। जिवें सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया वापस आ गए सी, अज वह भी पछताप करके साढ़े नाल मिल जाण। सो इन्हां शब्दां दे नाल सिंह साहब का फैसला एक कमेटी ते पंथ रद्द करती है। और 30 तरीक तो पहला इहदी जे वापसी हो जूगी, पंथ बख्शनहार है ते सारा जिहड़ा इन्होंने कूड़ ते पंथ नूं 2 टुकड़े करता है ये सारा खत्म हो जूगा। इन्हां शब्दां दे नाल इस कमेटी सरदार गुरदीप सिंह मुखन सिंह अपना कान सिंह वाले ते होर जिहड़े चला रहे हैं उन्हां दा असीं बहुत ऋणी हैगे हैं ते तो बख्शिश मंगदे हैं और आस करदे हैं
कि ये पंथ दे हुकम तुसी तड़खड़े होके लागू करोगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बलें सो